नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। मैं एस्ट्रोलॉजर सुधीर कुमार। आज हम बात करने वाले हैं कि आने वाले 7 दिन हमारे लिए कैसे रहने वाले हैं। हम बात करेंगे साप्ताहिक राशिफल, यानी कि 7 सितंबर से लेकर 13 सितंबर तक का समय हमारे लिए कैसा रहने वाला है। साथियों, साथ ही जानेंगे कि आने वाले 7 दिनों में हमारे साथ क्या शुभ अशुभ घटनाएं हो सकती है, क्या क्या मुख्य घटनाएं हो सकती है, हमें किन बातों पर ज्यादा फोकस करना है और हमें किन बातों के प्रति सचेत रहना है, किन बातों को अवॉइड करना है। जो हमारे नए दर्शक हैं, उनके लिए मैं ये बताना चाहूंगा कि यह जो राशिफल होते हैं, यह आपकी चंद्र राशि पर आधारित होते हैं और यह आने वाले 7 दिनों के गोचर पर आधारित होते हैं। आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं आने वाले 7 दिनों में ग्रहों की स्थिति क्या रहने वाली है। साथियों, सूर्य रहेंगे सिंह राशि पर, मंगल रहेंगे मेष राशि पर, बुध रहेंगे कन्या राशि पर, गुरु और केतु की युक्ति धनु राशि पर रहेगी, शुक्र रहेंगे कर्क राशि पर, शनि रहेंगे मकर राशि पर और राहु ग्रह रहेंगे मिथुन राशि पर। आने वाले 7 दिनों में चंद्रमा 3 राशि परिवर्तन करेंगे, मेष, वृषभ और मिथुन, और यही 3 राशियां आने वाले आपके 7 दिनों को डिसाइड करेगी, आने वाले 7 दिनों की शुभ अशुभ घटनाओं को बताएगी। तो आइए साथियों, शुरू करते हैं मेष से लेकर मीन राशि का आने वाला 7 दिन का साप्ताहिक राशिफल। मेष राशि। साथियों, आने वाले 7 दिनों में चंद्रमा की स्थिति मेष, वृषभ और मिथुन राशि में रहेगी, यानी कि आपके राशि से पहली, दूसरी और तीसरी। मान सम्मान को लेकर आने वाले 7 दिन आपके लिए काफी अनुकूल रहने वाले हैं। स्वास्थ्य को लेकर यदि कोई समस्याएं हैं तो वे दूर होगी। चंद्रमा चूंकि द्वितीय भाव में भी जाएगा, इसलिए परिवार का और मित्रों का सहयोग आने वाले 7 दिनों में आपको देखने को मिलेगा। तृतीय भाव में चंद्रमा की स्थिति आपके साहस को बढ़ाएगी, आप अपने काम के प्रति जिम्मेदारी महसूस करोगे और आपके काम की सराहना होगी और आपको नई जिम्मेदारियां देखने को मिलेगी। साथियों, आने वाले 7 दिनों में आपको आपकी बात के अंदर वजन महसूस होगा, लोग आपकी बातों से इम्प्रेस होंगे और आपके आइडियाज की, आपके प्लान की कदर करेंगे। कुल मिलाकर आने वाले 7 दिन आपके लिए काफी अनुकूल रहने वाले हैं। एक सावधानी जो मेष राशि वाले लोगों को निश्चित रूप से रखना चाहिए, आपके शत्रु कहीं न कहीं आपको कमतर दिखाने की कोशिश करेंगे, आपके लिए बाधाएं पैदा करने की कोशिश करेंगे, आपको अपमानित करने की कोशिश करेंगे। कृपया उन लोगों से आप सतर्क रहे, बेवजह की बातों से और बेवजह के कम्युनिकेशन से अपने आप को बचा कर रखें। वृषभ राशि। साथियों, आने वाले 7 दिनों में चंद्रमा की स्थिति आपकी राशि से 12, 1 और 2 पड़ती है। आर्थिक रूप से कोई अनावश्यक खर्चा आने वाले 7 दिनों में आपको देखने को मिलेगा। आपकी और आपकी पत्नी के बीच या आपके पति के बीच थोड़ी सी बेचारी का समानता आपको देखने को मिलेगी। बेवजह की बातों से अपने आप को बचा कर रखें। साथियों, व्यवसाय में यदि कोई नया इन्वेस्टमेंट करने का मौका मिलता है तो उसको करने से बिल्कुल ना चूके। आने वाले 7 दिनों में किया गया इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म में आपके लिए बेनिफिट रहेगा। स्वास्थ्य को लेकर आने वाले 7 दिन थोड़े कमजोर रहेंगे, अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल रखें। खासकर पेट दर्द की समस्या और सर्दी खांसी बुखार आपको आने वाले 7 दिनों में फेस करना पड़ सकता है। साथियों, चूंकि चंद्रमा दूसरे भाव में भी रहेंगे, इसलिए आपको आपकी भाषा पर नियंत्रण रखना चाहिए। बोलते समय अति उत्साही ना बने, आपकी बातों से लोग नाराज हो सकते हैं, इसलिए ध्यान रखें। मिथुन राशि। आने वाले 7 दिनों में चंद्रमा आपके राशि से 11, 12 और 1 रहेंगे। साथियों, आय के स्रोत बढ़ाने के लिए यह सबसे सुनहरा मौका रहेगा। आने वाले 7 दिनों में आपको आपकी आय बढ़ती हुई दिखाई देगी। आपके जो मित्र हैं, आपके जो सहयोगी हैं, वे आपको भरपूर सहयोग करेंगे, भले ही वह मानसिक रूप से हो या आर्थिक रूप से हो या फिर शारीरिक रूप से। आपको आपके लाभ में मुनाफा होते हुए दिखाई देगा। चूंकि राशि से 12वां चंद्रमा भी रहेगा, इसलिए कहीं ना कहीं व्यर्थ के कामों पर आपका पैसा खर्चा जरूर होगा। ऐसी कोई यात्रा होगी जो आगे जाके आपको परेशान करेगी, या ऐसी कोई यात्रा होगी जो आपके लिए किसी काम की ना हो, तो बेवजह की यात्रा से बिल्कुल बचे हैं। स्वास्थ्य को लेकर आने वाले 7 दिन बहुत अनुकूल है। मान सम्मान की दृष्टि से आने वाले 7 दिनों में आपको काफी उत्साह नजर आएगा।
आपको आपके समाज में, आपके परिवार में सम्मान की बढ़ोतरी होगी। संतान के प्रति यदि कोई शिकायत है या संतान को लेकर कोई प्रॉब्लम है तो वह आपको दूर होती हुई दिखाई देगी। आपकी संतान आपके लिए हर्ष का विषय बनेगी। साथियों, यदि ससुराल पक्ष से कोई संबंध खराब है आपके, तो उन्हें सुलझाने का प्रयास करें। आने वाले 7 दिन आपको आपके ससुराल पक्ष के व्यक्तियों से गुड न्यूज सुनने को मिलेगी। कर्क राशि, आने वाले 7 दिनों में चंद्रमा की स्थिति आपकी राशि से 10वें, 11वें और 12वें रहने वाली है। दोस्तों, किसी भी प्रकार का सरकारी कामकाज हो उसे निपटाने की कोशिश करें। यदि आप किसी सरकारी बैंक से लोन लेने का सोच रहे हैं तो बिल्कुल आप आगे बढ़ें। आपको अधिकारियों का भरपूर सहयोग देखने को मिलेगा। आपको नए कर्ज मिलने के योग युद्ध स्तर पर चल रहे हैं। 10वां घर सरकारी कामकाज के साथ साथ राजनीतिक कामकाज का भी होता है, तो यदि आप पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड हैं, यदि आप राजनीतिक गतिविधियों में इंटरेस्टेड हैं, तो अपने आप को प्रमोट करने की कोशिश करें। सिंह राशि से आने वाले 7 दिनों में चंद्रमा की स्थिति रहेगी 9वें, 10वें और 11वें। साथियों, प्रेम संबंध को लेकर यदि कोई भी एक्टिविटी पेंडिंग है तो उसको बढ़ाने की कोशिश करें। आपको आपके लव मेट के प्रति कहीं ना कहीं आकर्षण महसूस होगा और लव मेट से आपको सहयोग देखने को मिलेगा। आकस्मिक रूप से पैसा कमाने के चक्कर में आने वाले 7 दिनों में बिल्कुल ना पड़े। कहीं ना कहीं आर्थिक हानि होने के योग बड़े स्तर पर बनेंगे। साथियों, इलीगल अफेयर से कहीं ना कहीं दूर रहे, यह आपके लिए अपमान का कारण बनेगा। यदि पैतृक संपत्तियों को लेकर कोई एक्टिविटी आपको करनी है तो आप उसकी शुरुआत आने वाले 7 दिनों में कर सकते हैं। आने वाले समय में उस एक्टिविटी के कारण आपको आपके काम होते हुए दिखाई देंगे। उच्च शिक्षा के लिए आने वाले 7 दिन काफी अनुकूल है। शिक्षा को लेकर, रिसर्च को लेकर आने वाले 7 दिन आपके लिए पॉजिटिव साबित होंगे। साथियों, सरकारी नौकरी के लिए या सरकारी कामकाज के लिए आपको आने वाले 7 दिन पॉजिटिव महसूस होंगे। वह सारे काम जो आपने सोच रखे हैं कहीं न कहीं वे आपको होते हुए दिखाई देंगे। हर प्रकार की मनोकामना पूर्ति के लिए आने वाले 7 दिन आपके लिए काफी अनुकूल हैं। साथियों, एक सावधानी जो आपको रखना चाहिए वह यह है कि आप अपने पारिवारिक विवादों से दूर रहें। परिवार का कोई व्यक्ति या कोई सदस्य आपके साथ बहस करता है तो उसको टालने की कोशिश करें। कहीं ना कहीं पारिवारिक विवाद होने के योग आने वाले 7 दिनों में आपको देखने को मिल सकते हैं। कन्या राशि, आने वाले 7 दिनों में चंद्रमा की स्थिति आपकी राशि से 8वें, 9वें और 10वें रहने वाली। साथियों, कहीं ना कहीं कर्ज को लेकर आपको परेशानी महसूस होगी। आपके ऊपर जो कर्ज है वह कहीं ना कहीं परेशानी का कारण बनेगा, आपके मानहानि का कारण बनेगा। आपके शत्रु आपको परेशान करने की कोशिश करेंगे। यदि आप नौकरी में हैं तो आपके अधिकारी, आपके सहयोगी आपको परेशान करने की कोशिश करेंगे। बेवजह का वर्कलोड देकर आपको इंगेज करने की कोशिश करेंगे। अपने कामकाज के प्रति काफी सतर्क रहें। किसी प्रकार की चिंता, किसी प्रकार का मानसिक दबाव आने वाले 7 दिनों में आपको होता रहेगा। अपने आप को संतुलित रखें। स्वास्थ्य को लेकर आने वाले 7 दिन आपके लिए काफी अनुकूल है। यदि किसी भी प्रकार की कोई स्वास्थ्य की समस्या है तो वह आपको दूर होती हुई दिखाई देगी। साथियों, आने वाले 7 दिनों में आपको आपके परिवार का, आपके माता पिता का बहुत बढ़िया सहयोग मिलने वाला है। इन लोगों से संबंध बना के रखें और किसी भी प्रकार की समस्या आप अपने परिवार के साथ शेयर कर सकते हैं। आपको उसका समाधान बराबर देखने को मिलेगा। साथियों, चूंकि राशि से आपका 10वें चंद्रमा कहीं ना कहीं आपके व्यवसाय की स्थिति काफी मजबूत बताता है। व्यवसाय में आपको बड़ा इन्वेस्टमेंट करने के मौके मिलेंगे और यदि आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो आने वाले समय में उसके फायदे भी देखने को मिलेंगे। सरकारी कामकाज को लेकर आने वाले 7 दिन बहुत अच्छे रहने वाले हैं आपके लिए। व्यवसायिक कारणों से किसी प्रकार की लंबी यात्रा या छोटी छोटी 2 या 3 यात्रा आपकी हो सकती है। यदि यात्रा का कोई प्रोग्राम बनता है तो उसे कैंसिल ना करें। व्यवसायिक उद्देश्य से आपके लिए यह यात्रा काफी मंगलमय रहेगी। तुला राशि, आने वाले 7 दिनों में चंद्रमा की स्थिति आपके राशि से 7वें, 8वें और 9वें रहने वाली है। साथियों, वैवाहिक जीवन को लेकर कोई भी समस्या है तो वह दूर होगी। आपको आपके जीवन साथी से
भरपूर प्यार मिलेगा और सहयोग मिलेगा। किसी भी प्रकार की मिसअंडरस्टैंडिंग है तो आप उसे दूर करने की कोशिश करें। पार्टनरशिप के व्यवसाय में आपको सफलता मिल सकती है। नया पार्टनर या नया इन्वेस्टर आपके साथ जुड़ने की कोशिश कर सकता है। यदि ऐसा कोई प्रपोजल आता है तो आपको उसे एंटरटेन करना चाहिए। साथियों, किसी प्रकार का इन्वेस्टमेंट आपका LIC या म्यूचुअल फंड या आकस्मिक रूप से जहां पर पैसा कमाते हैं इसी जगह पर आपका हो सकता है। यदि ऐसा इन्वेस्टमेंट का प्रपोजल आता है तो आपको उसे एक्सेप्ट करना चाहिए और लॉन्ग टर्म में आपको अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। उच्च शिक्षा के लिए आने वाले 7 दिन काफी अनुकूल है। यदि शादी के बाद कहीं पर रुकी हुई है या कहीं पर अटकी हुई है तो शादी के बाद आपकी आगे बढ़ेगी। नए नए संबंध आपके लिए देखने को मिलेंगे। यदि आप कर्ज उतारने का सोच रहे हो तो आने वाले 7 दिनों में आपकी आर्थिक स्थिति कर्ज उतारने लायक हो जाएगी। आपको कहीं से सडन पैसों की व्यवस्था होगी और आप अपना कर्ज उतार पाओगे। वृश्चिक राशि, आने वाले 7 दिन आपकी राशि से चंद्रमा रहेंगे 6ठे, 7वें और 8वें। साथियों, आप यदि नौकरी में हैं तो आने वाले 7 दिन आपके लिए बहुत अच्छे हैं। आपके प्रमोशन की बात आगे बढ़ेगी। आपकी सैलरी में इम्प्रूवमेंट आपको होते हुए दिखाई देगा। आप जो काम करते हो उसका एप्रिसिएशन आपको मिलेगा। आपके अधिकारी, आपके सहयोगी आपको सहयोग करेंगे और मान सम्मान में वृद्धि होगी। साथियों, वैवाहिक जीवन के लिए आने वाले 7 दिन काफी अनुकूल है। यदि वैवाहिक जीवन में कोई दिक्कतें हैं तो उसे दूर करने की कोशिश करें। ससुराल पक्ष से कोई खुशखबर आने वाले 7 दिनों में आपको मिल सकती है। साथियों, कोर्ट कचहरी का यदि कोई कामकाज अटका हुआ है तो उसे आने वाले 7 दिनों में पूरा करने की कोशिश करें। किसी भी प्रकार के अनैतिक संबंधों से अपने आप को दूर रखें। यह आपके लिए मानहानि का कारण बनेगा। प्रॉपर्टी पर या किसी प्रकार के लग्जरी आइटम पर आने वाले 7 दिनों में आपका खर्चा हो सकता है और यह खर्चा आपके लिए पॉजिटिव रहेगा। धनुराशि, आने वाले 7 दिनों में चंद्रमा की स्थिति आपकी राशि से पंचम, षष्ठ और सप्तम में पड़ने वाली है, यानी कि 5, 6 और 7 पड़ने वाली है। साथियों, प्रेम विवाह में किसी प्रकार की रुकावट है तो वे दूर होगी। आपको आपके लोमेट के प्रति जो भी शिकायतें हैं वे दूर होगी। आपके लोमेट का आपके प्रति कहीं ना कहीं आकर्षण बढ़ता हुआ दिखाई आपको देगा। साथियों, संतान को लेकर आने वाले 7 दिन काफी अच्छे रहने वाले हैं। संतान के ऊपर आपका पैसा खर्चा होते हुए आपको दिखाई देगा। संतान किसी ऐसी चीज की डिमांड करेगी जिसे आपको उसे लाकर देना होगा। स्वास्थ्य को लेकर आने वाले 7 दिन आपके लिए बहुत अच्छे रहने वाले हैं। किसी भी प्रकार की शारीरिक समस्याएं हैं तो उसको दूर करने के लिए प्रयास करें। शत्रु पक्ष कहीं ना कहीं बलवान है। शत्रु पक्ष आपको अपमानित करने का या आपको हानि पहुंचाने की कोशिश करेगा। ऐसे लोगों से सतर्क रहें। आपकी बातचीत का दायरा कम से कम होना चाहिए। अति आत्मविश्वास या अति उत्साहीपन आपके मान सम्मान में कमी का कारण बनेगा। अपने आप को संतुलित रखें। साथियों, व्यवसाय के लिए आपके कामकाज को लेकर आने वाले 7 दिन आपके लिए बहुत अनुकूल है। आपको आपके व्यवसाय में तेजी दिखाई देगी और जो आप चाहते हो आपके बिजनेस के अंदर आपको होता हुआ दिखाई देगा। मकर राशि, आपकी राशि से आने वाले 7 दिनों में चंद्रमा की स्थिति रहेगी 4th, 5th और 6th, यानी कि 4, 5 और 6। साथियों, प्रॉपर्टी या वाहन पर आपका एक आकस्मिक रूप से खर्चा आपको होते हुए दिखाई देगा। व्यापार के लिए और व्यवसाय के लिए आने वाले 7 दिन थोड़े से परेशानी के रहेंगे। आप जिस फ्लो में अपना काम चाहते हो शायद उस फ्लो में वो काम ना होते हुए आपको दिखाई देगा। पैसे के लेन देन को लेकर आपको थोड़ी सी आर्थिक परेशानी देखने को मिलेगी। पैसे का लेन देन प्रॉपर तरीके से ना होने से आपका रोटेशन कहीं ना कहीं गड़बड़ाएगा और आपका व्यवसायिक पक्ष आपको कमजोर होते हुए दिखाई देगा। कृपया बेटर प्लानिंग करके ही व्यवसाय करें। सामाजिक रूप से आने वाले 7 दिन आपके लिए काफी अनुकूल है। आपको आपके परिवार में और समाज के द्वारा सम्मान प्राप्ति होते हुए दिखाई देगी। समाज आपका सम्मान करेगा। आपको कोई ना कोई नया पद देगा। योग, मेडिटेशन या पूजा पाठ के अंदर आपका मन लगेगा और आपको आध्यात्मिक सेक्टर के अंदर, आध्यात्मिक जीवन के अंदर सफलता मिलती हुई दिखाई देगी। आपके नौकर या आपके अधीन जो लोग रहते हैं वे आपके लिए मानहानि का कारण बन सकते हैं। वे आपको परेशान कर सकते हैं।
उन लोगों से अपना व्यवहार काफी सकारात्मक रखें, जितना हो सके धीरे बोले, कम बोले और मीठा बोले। इन लोगों के कारण कहीं ना कहीं आपके अपने काम आपको अटकते हुए दिखाई देंगे। कुंभ राशि, आने वाले 7 दिनों में चंद्रमा की स्थिति आपकी राशि से 3रे, 4थे और 5वें पड़ेगी। साथियों, आप अपनी बातों के द्वारा अपने व्यवसाय को बढ़ाओगे। व्यवसाय और व्यापार के लिए आने वाले 7 दिन काफी अनुकूल है। आपको कोई बड़ी डील होती हुई दिखाई देगी। आप अपने व्यवसाय का एक्सपेंशन होते हुए महसूस करोगे। व्यवसाय को बढ़ाने के लिए और व्यवसाय में तरक्की के लिए आने वाले 7 दिन काफी अनुकूल है। किसी भी प्रकार की आर्थिक सहायता यदि किसी व्यक्ति से या बैंक के द्वारा यदि आप चाहते हो तो आने वाले 7 दिनों में आपको भरपूर सफलता देखने को मिलेगी। किसी प्रकार का यदि कर्ज आपको चुकाना है तो उसके लिए आपको कोशिश करना चाहिए। साथियों, आप जिस स्थान पर व्यवसाय करते हो, आप जिस स्थान पर व्यापार करते हो उसके अलावा किसी अन्य जगह पर जाकर या किसी अन्य शहर में जाकर यदि आप अपने व्यवसाय का एक्सपेंशन करना चाहते हो तो आने वाले 7 दिनों में उसकी भूमिका बनती हुई आपको दिखाई देगी। यदि आप नौकरी में हैं तो नौकरी के लिए आपका प्रमोशन होना, नौकरी में आपकी सैलरी बढ़ना या कहीं ना कहीं नौकरी में आपको किसी भी प्रकार से प्रॉफिट होता हुआ दिखाई देगा, एक नौकरी में स्थायित्व तो आएगा। आने वाले 7 दिनों में आपकी बातों का वजन इतना रहेगा कि जो भी व्यक्ति आपसे बात करे वह अपने आप को प्रभावित महसूस करेगा, आपसे लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप मेंटेन करने की कोशिश करेगा। किसी प्रकार के लग्जरी आइटम पर आपका पैसा खर्चा होते हुए आपको दिखाई देगा। बस एक सावधानी जो आपको रखना चाहिए वह यह है कि आपकी संतान कहीं ना कहीं आपसे नाराज हो सकती है। आपकी संतान को लेकर आपको चिंता हो सकती है तो उससे व्यवहार बनाकर रखें, उससे आपके संबंध ना बिगड़े ऐसा कोई काम ना करें। मीन राशि, मीन राशि वाले लोगों के लिए आने वाले 7 दिन चंद्रमा की स्थिति रहेगी 2रे, 3रे और 4थे, यानी कि धन की स्थिति मीन राशि वाले लोगों के लिए आने वाले 7 दिन काफी अनुकूल रहने वाली है। परिवार की स्थिति आने वाले 7 दिन काफी अनुकूल रहने वाली है। आपके परिवार में किसी सदस्य की वृद्धि हो सकती है, किसी सदस्य का विवाह हो सकता है, किसी सदस्य की बात पक्की हो सकती है। साथियों, फाइनेंशियली आपके लिए ग्रोथ का समय है। कृपया अपने आप का, अपने व्यवसाय का थोड़ा सा विस्तार करने की कोशिश कीजिए, विस्तार करने का प्लान बनाइए। आप जो कदम उठाएंगे वे थोड़े साहसिक जरूर रहेंगे लेकिन आने वाले समय में आपको उसका फायदा होते हुए भी दिखाई देगा। प्रॉपर्टी पर या वाहन पर किसी प्रकार का खर्चा आने वाले 7 दिनों में आपका हो सकता है। आने वाले 7 दिनों में आपको कहीं ना कहीं अपने व्यवसाय को लेकर, अपने इन्वेस्टमेंट को लेकर थोड़ी सी रिस्क लेना पड़ेगी, पर यदि आप रिस्क लेते हो तो आपको आने वाले समय में उसका फायदा होते हुए आपको दिखाई देगा। स्वास्थ्य को लेकर आने वाले 7 दिन काफी अनुकूल है। यदि किसी प्रकार की परेशानियां हैं तो उसे दूर करने की कोशिश करें। लंबी यात्रा के योग आपके होते हुए दिखाई देंगे।